नमस्कार, मैं हूँ आशुदा। 30 दिन में डे ट्रेडिंग को मास्टर कैसे करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये होती है कि अपना कैपिटल तो बचा के रखें, नहीं तो डे ट्रेडिंग कहाँ से होगी। तो इसलिए मैं आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। आपने नोटिस किया होगा, और ये सब डे ट्रेडर्स की लाइफ में किन लोगों के साथ बहुत बार होता है, किन लोगों के साथ थोड़े कम बार होता है, मगर होता सबके साथ है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, 7, 8, 14 दिन, 15 दिन आप जो है स्टॉक खरीदते हैं और लॉस हो जाता है। आप बोलते हो कि क्या हो रहा है, मतलब मैं जो स्टॉक खरीदता हूँ दूसरी साइड पे चला जाता है। कोई बात नहीं, ये उसको हम लूजिंग स्ट्रीक इंग्लिश में कहते हैं कि ये एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। तो लूजिंग स्ट्रीक अगर आपकी 7 दिन या 10 दिन से चल रही है, तो सबसे पहली चीज़ आप ये करें कि ट्रेडिंग को 4-5 दिन बंद कर दें। इसका मतलब ये नहीं है आप मार्केट से अपनी नज़र उठा लें, मार्केट में रहें और जो जो स्टॉक आपने लिए थे उसको एनालाइज करें, क्यों हुआ। एनालिसिस कैसे करेंगे, एक ये देखिए कि आपने स्टॉक क्लोजिंग प्राइस पे पिक किए थे पिछले दिन के, नहीं तो फिर उसको चेंज करें। दूसरा चेक करें, आपने ऐसे स्टॉक लिए थे जिसमें प्राइस और वॉल्यूम मोमेंटम था, मतलब पिछले दिन प्राइस और वॉल्यूम दोनों चल रहा था, नहीं उसको ठीक करें। उसके पीछे आप देखें कि आपने 7 दिन का डेटा देखा था, नहीं देखा था, उसको ठीक करें, क्योंकि कोई रीज़न ज़रूर है, कोई चीज़, कोई पुर्जा जो है वो ढीला था, आपने टाइट नहीं किया, इसको टाइट करें और 4-5 दिन आराम से छोड़ दें ट्रेडिंग को फिर। और या आपने स्टॉक की लिस्ट पर से देखें, एक चीज़ हमारे साथ बहुत होती है, देखिए पूरे दिन हम बैठ के टीवी देखते हैं कभी कभी, या मतलब जब भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं डे ट्रेडिंग स्पेशली, तो हम सोचते हैं जी आ देखते हैं, तो कभी कभी हम अपना ध्यान हटा लेते हैं। ऐसा है कि हम जैसे, अगर आप ये सोचो कि आप 200 किलोमीटर की रेसिंग कार चला रहे हो, या वीडियो गेम चला रहे हो, या रेसिंग कार चला रहे हो, आप कभी कभी क्या करते हो, नज़र यहाँ नज़र वहाँ, तो गाड़ी तो फिर कहाँ जाके टक्कर मारेगी ना, तो वो नहीं कर सकते हम। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा, कभी कभी हम देखते हैं हाँ जी कोई टेक्निकल एनालिस्ट ने ये बोल दिया, किसी और मार्केट गुरु ने ये बोल दिया, तो हम कहते हैं हाँ जी हम ये स्टॉक खरीदें, ऐसे स्टॉक नहीं खरीदे। और डे ट्रेडिंग में तो आप कभी भी नहीं खरीद सकते, तो आप किसी की कोई व्यू ना लें, आप अपना जो जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं आप उस पर चलें और अपना स्टॉक देखें। और अगर आपकी ये 7 या 10 दिन की ट्रेडिंग लॉसेस की स्ट्रीक है, मैं डे ट्रेडिंग कह रहा हूँ, अगर मैं फिर भी जानता हूँ बहुत सारे हम में से क्या करते हैं, वो स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। पहले तो आप एक चीज़ करो, जो डे ट्रेडिंग के लिए आपने स्टॉक लिए सब बेच दो, सब निकाल दो, पोजीशन क्लोज कर दो, जीरो पे ले आओ और एक नई स्लेट से नया काम आप शुरू करो, और 4-5 दिन के बाद, और आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस जो है इमीडिएटली जो है ऊपर जाने की तरफ जाएगी। और दूसरी चीज़ है, जो आपका कैपिटल है या जो लॉसेज हैं वो बिल्कुल लिमिट हो जाएंगे। तो दो चीज़ें, एक कभी भी 7-8 दिन का लॉस हो उसके बाद आप लूजिंग स्ट्रीक के बाद 4-5 दिन रुकें, ट्रेडिंग लॉसेस जो हैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मतलब जैसे ही लॉस थोड़ा सा भी हो 2-3% का पोजीशन बंद करें, और जो पुरानी पोजीशन जिसकी वजह से आपके लॉसेस थे जो आपने डे ट्रेडिंग पर क्लोज नहीं की थी उनको आप क्लोज कर दें। आज के लिए इतना ही, मैं हूँ आशुदा।